अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इंसान की आज तक की सबसे बड़ी इन्वेंटेड क्या थी, तो आपका आंसर क्या होगा? आग, जो हमें सर्दी में गर्मी का एहसास कराती है, और उसके साथ जंगल में हो तो आग जला लें तो जानवरों से भी प्रोटेक्शन कराती है और हमें खाने पकाने में मदद भी करती है। या दूसरा आंसर, व्हील, जो हमें सफ़र और ट्रेड में मदद देता है। जब हम इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन के बारे में सोचते हैं तो एक बात को हम भूल जाते हैं और वो है पैसा। तो दोस्त, पैसे की जो ईजाद हुई ना, वो 1000 BC से लेकर 3500 BC तक की बात है, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं। तो फिर शुरू करते हैं 1000 BC से भी पहले कैसे ट्रेड होता था, जब लोग लेन देन के लिए अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक किसी ने गोट पाल रखी हैं, अब उसे एक कपड़े की ज़रूरत है, एक सूट की ज़रूरत है, और वो एक सूट के लिए क्या किसी को बकरी पूरी की पूरी देगा या बकरी का बच्चा? या फिर वो किसान जो टमाटो की काश्त करता है, अभी उसे रहने के लिए एक हैमा चाहिए, वो हैमे के लिए क्या देगा? बल्क क्वान्टिटी में टमाटर, जो उस वक्त में ज़्यादा देर स्टोर नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि टमाटो ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकते। फिर उसके ऊपर एक और मुसीबत कि ऐसे दो बंदे भी ढूंढना जिनको आपस में एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत हो, वो कैसे मुमकिन होता था? बड़ा मुश्किल दौर था यकीनन, लेकिन उस ज़माने में भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी जिनसे आप ट्रेड कर सकते थे, जिनका आप ज़हीरा कर सकते थे और उनके बदले में आप चीज़ें खरीद सकते थे। वो क्या थी? वो लोहे के बनी हुई तलवारें, गंदम, नमक, जानवर की स्किन वगैरह। उस ज़माने में ये चलन चला कि इन जैसी चीज़ों को लोग अपने पास स्टोर करने लगे, ताकि जब गर्मियों के फल आ रहे हों और लोग उनको ख़रीदना चाहें तो वो इन जैसी चीज़ों को दे के वो लोग खरीद सकते थे, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत सभी लोगों को थी। अब अगर आपके घर में किसी काम करने वाले की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर कारपेंटर, या आपके घर में काम करने वाली कोई भी ऐसा मैसन, कोई भी बंदा जिसको आप इस बात पे एग्री कर सकते थे कि वो आपके घर काम करे और बदले में आप उसको नमक, खाल, कोई भी ऐसी चीज़ दें जो बाज़ार में जाकर वो दे और उसके बदले वो और सामान खरीद सके। ये जो सिस्टम उस दौर में चल रहा था, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। बट बार्टर सिस्टम में भी खराबियां थी। अब अगर कोई चीज़ ही नयाब हो तो उसका क्या रेट लग सकता है, या कोई चीज़ वफर मकदार में है तो वो कितनी सस्ती हो सकती है? इस जैसी चीज़ों की खराबियां बार्टर सिस्टम में मुश्किल पैदा कर रही थी। फिर इंसान ने इसका भी हल निकाला, वो साहिल समंदर पर गया और वहाँ पर जाकर उसने सीपियाँ और मोती देखे जो उसे काफ़ी कीमती लगे, और उससे भी ट्रेड करनी शुरू हुआ। जैसा कि ये फूटी कौड़ी जो एशिया में इस्तेमाल होती थी, और 3 फूटी कौड़ियों के बदले में 1 साबत कौड़ी बनती है, मगर ट्रेड के लिए ये भी चीज़ कारगर साबत नहीं हुई। और अब चलते हैं 1000 BC में। चीन में बरात से कुछ ऐसे सिक्के तैयार होते हैं जो गोल शेप में हैं, उनको पॉकेट में डालते निकालते कोई तकलीफ भी नहीं होती थी, और ये था जो पैसे का पहला रूप था, इससे बंदा खरीदो फरोख्त कर सकता था। मगर इसको और जदीद किया गया 6th सेंचुरी में लीडिया का बादशाह एलियट्स। एलियट्स ने गोल्ड और सिल्वर के सिक्के तैयार किए जिनका वजन भी एक जैसा था, जिसके ऊपर उसने मोहर भी लगा रखी थी और उसकी कीमत एक जैसी थी। मगर ये सिक्के तो बादशाहों, रिच लोगों के काम थे, मिडिल क्लास बंदे का क्या काम था इन सिक्कों से, गोल्ड और सिल्वर? दरअसल ये तरीका सबके लिए नहीं था। कुछ देर बाद क्या हुआ कि इन सिक्कों को स्लिम किया गया और इसमें दूसरे मेटल भी शामिल किए गए, ताकि आम बंदा भी इन सिक्कों से लेन देन कर सके। जब ये सब कुछ हो गया, फिर इन सिक्कों की कीमत मुकर्रर की गई जो वहाँ का बादशाह मुकर्रर करता था। वक्त के साथ साथ चेंजिंग आई, और क्या होता है कि दूसरी कंट्री में भी तिजारत करने का मौका मिलता है, और इतने वजनी सिक्के उठा के कोई दूसरी कंट्री कैसे जाए लेकर? रास्ते में चोरी होने का भी डर, और कितनी सारी मुसीबतें थी। उसका भी हल निकला, IOU सर्टिफिकेट। क्या होता कि वो बादशाह के पास कोई ताजर जाता और उससे वो IOU सर्टिफिकेट लेता, जिसके ऊपर बादशाह की मोहर और सैन होते। वो जब वो दूसरी कंट्री में तिजारत के लिए जाता, वहाँ के ताजर को ये सर्टिफिकेट दिखाता और अपने माल का लेन देन कर लेता। यहाँ तक कि हुकूमतें भी यही करती थी। ये सिस्टम एक गारंटी सिस्टम था जिसके ऊपर बादशाह की स्टैंप और साइन थे, और साथ में उन कॉइन की तादाद भी थी जो बादशाह के पास वो ताजर जमा करवा के जाता था जब दूसरी कंट्री में वो जाता था। लेकिन यही IOU सिस्टम अब तक चल रहा है, जो हमारे गले का फंदा बन चुका है। ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वीडियो के साथ आपने एंड तक रहना है।
करते करते ये उस दौर की रियलिटी बन गई। मार्केट में IOU के सर्टिफिकेट भर गए। अब लोगों को सिक्कों की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि लोग कागज का टुकड़ा दिखाकर बदले में सिल्वर और गोल्ड हासिल कर सकते थे। तो दोस्त इसमें बात कर ली बार्टर सिस्टम, क्वाइन सिस्टम और IOU सिस्टम की। अब बात करते हैं जो हमारे पास रुपया है। क्या रुपये की वैल्यू ये है कि मोहम्मद अली जना की तस्वीर ऊपर होनी चाहिए, या जैसे लोग कहते हैं कि आपके पास अगर बाबा है तो आपको चीज मिलेगी? नहीं नहीं, ये तो एक क्रेडिट है जो मोहम्मद अली जिना को दिया हुआ है। आप गौर करते हैं कि नोट के ऊपर एक साइन होता है जहां कुछ यूं लिखा होता है, बैंक दौलत पाकिस्तान 1,000 रुपया हामले हजार को मुतालबा पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ, साइन गवर्नर रजा बाकर। तो ये क्या हुआ, ये जदीद दौर का IOU सिस्टम है जिसके ऊपर अगर हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी रजा बाकर के साइन ना हो तो ये नोट रद्दी का टुकड़ा है। अब डॉलर जो किसी भी दूसरी कंट्री से ट्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो क्या वजह? सो वर्ल्ड वार वन, जब कई सारी कंट्रियां बैटल में मसरूफ थी और वो अमेरिका को गोल्ड दे के असला खरीद रहे थे। ऐसे ही वर्ल्ड वार टू में भी हुआ, लोगों ने गोल्ड देकर अमेरिका से असला खरीदा, करते करते अमेरिका के पास 80% गोल्ड चला गया। अब पूरे वर्ल्ड का रूल है कि जिसके पास ज्यादा गोल्ड वो उतना ही ताकतवर और दौलतमंद, उतने ही ज्यादा वो कागज के नोट भी छाप सकता है। मिसाल के तौर पर अगर 1 ग्राम गोल्ड की कीमत $10 है तो ये कन्फर्म रेट है, इससे कोई भाग नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका सेंचुरी 1861 से लेकर 2024 तक डॉलर को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है, जो इसमें कामयाब भी है। लेकिन इस दौर में किसी भी कंट्री की करेंसी वैल्यू उसकी स्टेबिलिटी से देखी जाती है, जिसमें वो दूसरों को इत्माद दे सकती है या अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकती है या मैन्युफैक्चरिंग में आगे हो सकती है। इसमें बहुत सी चीजें आ सकती हैं। सो 1000 BC से चला हुआ ये खेल अब तक चल रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी के पास 10 ग्राम गोल्ड था जो 1990 में 40,000 रुपीज का था। अब अगर 2024 की बात करूं तो वही गोल्ड जो 10 ग्राम था अब वो 1,80,000 रुपीज का हो चुका है। तो क्या हुआ, गोल्ड तो वहीं का वही रहा लेकिन रकम बढ़ गई। ये वही खेल है जो आपसे और मेरे साथ खेला जा रहा है। इसमें फायदा सिर्फ करेंसी छापने वालों को होता है। ये इसी खेल को स्टेबल रखने के लिए बॉन्ड्स और ट्रेसरी इशू करते हैं, क्यों, और लोग इसी जानसे में आते रहते हैं और ये निजाम अब तक चल रहा है। इसका बेटर सोल्यूशन यही था कि अगर हम गोल्ड से ही अपनी ट्रेड करते रहते, मगर ये निजाम कब तक चलेगा ये वक्त ही बताएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह।